भारत नेपाल के बॉर्डर से शराब की तस्करी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। करीब हर रोज पुलिस शराब कारोबार में कार्रवाई कर रही है। बावजूद तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब तस्करी करते हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में हरलाखी थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में दो जगहों से 1440 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक बोलेरो चार पहिया वाहन जब्त किया, जबकि दोनों कार्रवाई में धंधेबाज शराब व वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारत नेपाल के दिघिया बॉर्डर से बोलेरो गाड़ी में भारी मात्रा में शराब लोड कर निकाला जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना के ASI शिवजी सिंह अन्य पुलिस बल के साथ कमतौल चौक के नजदीक प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान पुलिस को देख धंधेबाज वाहन व शराब छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन व शराब को जब्त कर थाना ले आई। जब्त वाहन में 1050 बोतल नेपाली देसी शराब। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना पर मंगलवार की अगली सुबह थाना क्षेत्र के गंगौर गांव स्थित इमली गाछी से 390 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पहले कार्रवाई में अज्ञात चालक व दूसरे कार्रवाई में अज्ञात धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही। शीघ्र दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।